देखिए ये नतीजे बता रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ। जो मात्र शक्ति का अपमान करते हैं जो लोग, उनको जनता ने इस चुनाव में भरपूर सबक सिखाया। हम सांवेर में जीत का नया इतिहास रख लेते हैं। हाँ तो ये तो जनता ने बता ही दिया, आपको पता ही चल गया हुआ कि हम तो पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोल रहे थे, आप उसको केवल सांवेर के संदर्भ में बोले। देखिए पहले तो मातृशक्ति का अपमान करते हैं, वो जनता का भी अपमान कर रहे हैं कि दिखाओ। देखिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने वहाँ एक होकर चुनाव लड़ा और सब ने मेहनत की, सारे कार्यकर्ताओं ने, ये पूरा श्रेय वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को, उन्होंने एक होकर और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, उसके मार्गदर्शन में काम किया और जनता को अपनी बात, जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल। सांवेर में हम जीत का नया इतिहास रचने, ये धीरे आपको पता चले सारे मुद्दे थे, जो बातें हमने जनता के बीच में रखी थी, अपनी बात जो हमने जनता के बीच में बचाई, वो हमने सब अच्छे से उसको जनता के बीच में रखा और जनता ने उसको स्वीकार कर, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ, और उसने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिवराज जी के नेतृत्व में विकास होते हुए देखा है और विकास की जो उनकी आशा है कि विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि 18 महीने के शासन, 15 महीने के शासनकाल में कांग्रेस के सारे विकास के काम ठप हो गए। शिवराज जी जब से आए थे वापस विकास के काम चालू हुए, तो जनता को विश्वास हो गया कि विकास के बीजेपी कर सकती है, शिवराज जी कर सकते। लोगों ने तुलना करी कांग्रेस के राज की और बीजेपी की सरकार के काम के, पार्टी के काम करने के तरीके, पार्टी का नेतृत्व, ये सारी बातें होंगी, तो सारी बातें को आज इंसान देखता है। जब उन्होंने तुलना की कांग्रेस के शासन की और बीजेपी के शासन की, उनको लगा कि बीजेपी का शासन, शिवराज जी का नेतृत्व पूरा प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है और उसको चुनना चाहिए।